अभी हम मौजूद है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार अपनी मांगों को लेकर इकट्ठे हुए हैं। ये लगातार कई दिनों से इनकी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ बेरोजगार हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। फायर मेरे का प्रोविजन का लिस्ट था, अभी एक महीना होगा क्लियर, अभी तक इन्होंने कुछ भी इंडिकेशन नहीं दिया। बच्चे बेरोजगार जो भी है, 120 से 240 का प्रोविजन की लिस्ट ढोक रखी है, तो आशा सहिता लग जाएगी। तो हमारी मांग ये है कि हमारी जल्दी से जल्दी 2-3 दिन में जो बच्चे योग्य हैं उनको करो प्रोविजन में लिस्ट। एक ही भर्ती हो अयोग्य, एक भर्ती हो गई, 2 साल हो गई, 480 को ज्वाइनिंग नहीं दे रहे इन कारणों से ज्वाइनिंग नहीं। ये प्रोविजनल में रखा था, 7 दिन का टाइम दिया था, तो हमने अपनी डीवी करवा दी, उसके बाद एक महीना हो गया, आज तक रिजल्ट नहीं जारी किया और उनको ज्वाइनिंग भी दी। जब एक भर्ती है तो अलग अलग ज्वाइनिंग कैसे दे रहे हैं? की कमी है सर, ये परिणाम दे रही नहीं। हमारा भी ज्वाइनिंग दो, हमारे को तो केवल 7 दिन का टाइम मिला था। भैया आप कहाँ से हैं? आप करेड़ा बुजुर्ग से। हिंदी का प्रोविजनल रिजल्ट जारी करो, हिंदी का प्रोविजनल रिजल्ट जारी करो। मेरे जनरल में चला गया और ओबीसी कैटेगरी मेरे को मिलनी चाहिए सीट। कटोर से नंबर ज्यादा है। हमारे साथ राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव है, इनसे बात करेंगे। उपेन भाई आज आप किन मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं? ये बेचारे युवा बेरोजगार है, परेशान है, दुखी है, फायरमैन भर्ती का प्रोविजन परिणाम की मांग कर रहे हैं, अध्यापक भर्ती लेवल 1 और 2 की प्रोविजनल सूची और रिक्त पदों पर सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं, जो स्पोर्ट्स की जो भर्ती की सूची जारी है वो सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं, नई पशु परिचालक भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने की मांग कर रहे हैं और जूनियर अकाउंट का परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं। तो तमाम युवा बेरोजगारों की मांगों को लेकर एक बार पूछे हैं। आपने पिछले 3 दिन पहले भी प्रदर्शन किया, हर बार युवा बेरोजगार परेशान हो रहा है, उनकी मांगों को लेकर एक बार फिर मैं पूछा हूं और रक्षा के भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर भी अभ्यर्थी पूछे हैं, तमाम इन मांगों को लेकर पूछे हैं कि जल्द से जल्द इनको राहत दी जाए, क्योंकि कई अभ्यर्थी है जिनके नंबर अधिक है लेकिन 3 सूचियों में नाम नहीं है, तो तत्काल लेवल 1 और लेवल 2 के प्रोविजन परिणाम हो, चाहे रिक्त पदों पर पात्र पदों पर सूची निकालने की मांग हो और चाहे नई भर्तियां निकालने की मांग हो, तो तमाम मांगों को लेकर एक बार युवा परियोजना पहुंचा। ये उपेन यादव थे जो लगातार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर युवाओं के साथ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे। कुछ बेरोजगार सूची जारी नहीं करे सर, लेवल 1 अध्यापक लेवल 1 अयोग्य अभ्यर्थियों को लिया जा रहा है, उनको पात्रता नहीं है फिर भी लिया जा रहा है, उनको बाहर करवाना, लेवल 2 में विशेष शिक्षा में PSTC वाले वैलिड नहीं है फिर भी उनको लिया जा रहा है, उससे योग्य अभ्यर्थी पीछे हट रहे हैं और वो अपना दुख प्रकट नहीं कर पा रहे, भटक रहे हैं, कभी बीकानेर गए कभी जयपुर गए। महिला अभ्यर्थी भी यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैडम आप क्या कहना चाहते हो बोलो। फायरमैन सूची जारी करो, फायरमैन की फायरमैन प्रेजेंट लिस्ट जारी करो। महिलाएं भी यहां पर कर्मचारी चयन बोर्ड पर लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। कुछ बेरोजगार और हैं जिनसे हम जानेंगे कि उनकी क्या समस्या है। लगातार ये बेरोजगार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर अपना प्रदर्शन जाहिर करते नजर आ रहे हैं। भैया आपकी क्या मांग? भैया हमारी ये मांग है कि हमारे कट ऑफ से था मार्क्स से, फिर भी हमारा रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है और आकारण हमें रोका गया है, और अभी बोर्ड्स को हमने 8 दिन पहले भी परिवेदना दी थी लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं आया और बोर्ड कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे रहा है, तो हमें प्रोविजनल में शामिल किया गया, ना हमें पात्र की लिस्ट में शामिल किया, किसी भी लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, जबकि हमारे कट ऑफ से कहीं ज्यादा 50-50 नंबर ज्यादा है हमारे,
फिर भी ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है जो कि बिना कारण ही मानसिक प्रताड़ना दे रही है सरकार और बोर्ड। हमें चाहिए, उनको चाहिए कि हमारे आज के आज रिजल्ट जारी करें। भाई आप लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हो, कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष ने आपको कोई आश्वासन दिया है? नहीं, अभी तक हमें कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया, ना ही हमें कोई स्पष्ट कारण बताया गया रिजल्ट रोकने का। या तो हमें स्पष्ट कारण बता दे या हमारा रिजल्ट जारी कर दे। और हमारी कर्मचारी चयन बोर्ड से यही मांगे, आज ही हमारा रिजल्ट जारी करे और जिला आवंटन करके हमारे अभी काउंसलिंग शेड भी जारी करे, क्योंकि आचार संहिता लगने में 4 दिन बचे, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हमारी मांगों पे ध्यान दें। आप कौन से मामले को लेकर? रीट लेवल 2 में हमारा रिजल्ट बिना किसी कारण से रोका गया है, ना हमें प्रोविजनल में डाला गया है, ना हमें कोई और कारण बताया गया है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा रिजल्ट जारी किया जाए, बोर्ड हमारी सुनवाई करे। ना वो सुनवाई कर रहे हैं, ना कोई कारण बता रहे। कम से कम 10-15 दिन का टाइम निकल गया है, हम लोग बार बार यहाँ के चक्कर काट रहे हैं, ना हमारी कोई सुनवाई हो रही है। तो हम चाहते हैं कि बोर्ड हमारे कोई ना कोई आश्वासन दे, उसका कारण बताए, हमें बताया जाए कि क्यों रिजल्ट रोका गया है, कब तक जारी किया जाएगा। तो ये सब इन सब मांगों के लिए हम यहाँ आज भी आए हैं। हम चाहते हैं कि आचार संहिता से पहले पहले हमारा रिजल्ट जारी किया जाए। हम चाहते हैं कि आज हमें पूर्णतः संतुष्ट जवाब दिया जाए बोर्ड के द्वारा, जो भी है जो हमें क्लियर बताया जाए क्या क्या मामला क्या है, बस हम यही कहना चाहते हैं। देखिए अभ्यर्थी लगातार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से अपनी मांगों को मनवाने के लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ फायरमैन के अभ्यर्थी हो रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। फायरमैन का जो प्रोविजनल का रिजल्ट है वो जारी नहीं कर रहे हैं, और जो हमारे साथ वाले बंदे हैं उनको सबको ज्वाइनिंग भी दे दी, जबकि हमारे को 7 दिन का टाइम दिया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो हम करवा चुके। उसके बाद 1 महीना हो गया, अभी तक कोई अभ्यर्थी फायरमैन भर्ती से जुड़े हुए लगातार अपनी मांग को कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी हो रहे हैं, हम उनसे बात करें। सर हमें 2-3 साल से लटका के रखा है, इसका सर फैसला मिलना चाहिए। आधे बच्चों को दे दिया है, सभी को ज्वाइनिंग मिल चुकी है, डिस्ट्रिक्ट मिल चुका है, हम वेट कर रहे हैं, कई दिनों से परेशान हो रहे हैं। हमारे को समाधान चाहिए आज और अभी, तुरंत प्रभाव से चाहिए सर। सर सीकर से हमारे फायरमैन की भर्ती 2021 की भर्ती है, अभी तक इन्होंने प्रोविजनल रिजल्ट जारी नहीं किया है। बोर्ड ने हमारे को 7 दिन का टाइम दिया था, अब 1.5 महीना हो चुका है, 7 वालों को ज्वाइनिंग मिल गई है। जब तक बोर्ड वाले परिणाम नहीं जारी करेंगे हम यहीं बैठेंगे, शांतिपूर्ण धरना करेंगे उपेन्द्र जी के नेतृत्व में। लगातार यहाँ पर प्रदेश भर के सैकड़ों बेरोजगार यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगातार ये अपनी मांगों को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ी संख्या में ये बेरोजगार अपना विरोध कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी मांगे ये लगभग 6 दर्जन भर्तियों सहित जुड़े हुए बेरोजगार हैं, जो लगातार अपनी मांगों को यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर मेरा जो अध्यापक भर्ती तृतीय श्रेणी में जो प्रोविजनल हुई थी ना 2 गुणे की लिस्ट, उसमें मेरा नाम था, लेकिन जो ये जारी किया ना इन्होंने 1 गुणा का परिणाम, वो 39 सीटों पे नहीं किया, 29 सीटों पे जारी किया है। और LDCP की 39 सीट थी, उसमें से 29 सीटों पे परिणाम जारी किया है, जो बाकी 10 सीटें बची है ना उन पे इन्होंने परिणाम जारी नहीं किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन 10 सीटों पे परिणाम क्यों नहीं जारी किया? अगर उन पे परिणाम जारी होता है तो 1-2 नंबर से जो रह रहे हैं ना उनका नंबर आ सकता है सर इसमें। और जो इंटरचेंज का भी नियम है, देखिए तुम्हें साफ दे रखा भाई, इंटरचेंज भी होता है, जैसे किसी वर्ग की जो सीटें खाली रहती है ना विकलांग कैटेगरी में, तो उसको दूसरे कैटेगरी से भरा जा सकता है, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं किया भाई। और वर्ग की जो सीटें खाली रह रही हैं उनको है ना जो LDCP से भरा जाए, ताकि इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। देखिए आज 6 महीने हो चुके हैं, सरकार बिल्कुल सोई हुई है। CHO का एग्जाम को आज 6 महीने हो गए, ना कोई इसका रिजल्ट आ रहा है, ना कोई इसका समाधान हो रहा है। ये छात्र पिछले 6 महीने से लगातार यहाँ आ रहे हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते चले जाते हैं, कोई इनकी सुनता नहीं, कोई न्याय की गुहार करता नहीं। क्यों ये बेरोजगार लोग हैं, अपना न्याय मांगने आएंगे नहीं क्या आप बताइए? और आते हैं इनको भगा दिया जाता है भैया। 19 फरवरी को, हाँ सर 19 फरवरी को सर एग्जाम हुआ था, और आज के 8 महीने हो गए एग्जाम लिए। हम जब बार बार भी हमने ज्ञापन दिया है तो बार बार ये किया जाता है, इस पर संशोधन किया जा रहा है, भर्ती को प्रस्तावित है, इसको आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन इसके बारे में स्पष्ट निर्णय आज तक नहीं लिया गया। 7 अक्टूबर से लगभग आचार संहिता लगने वाली है, तो हमारा यही कहना है कि हमें CHO का रिजल्ट क्लियर चाहिए, संशोधन चाहिए, आज चाहिए, आज के अलावा हम किसी दिन नहीं आएंगे। और हमें सिर्फ हमारी यही मांग है CHO भर्ती का रिजल्ट जारी करे और भर्ती को क्लियर किया जाए। मैं मीडिया के माध्यम से यही संदेश देना चाहूंगा कि आप हमारी मांग को अंदर तक पहुंचाएं,
और इसका रिजल्ट जारी कराएं, नहीं तो ये छात्र यहीं बैठा रहेगा, यहीं हड़ताल करेगा जब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा। हमारी मांगे लेवल टू में जो प्रोविजनल में अपात्र को और अपेयरिंग स्टूडेंट्स को रखा है, बीएसटीसी वालों को रखा है, जबकि वो विज्ञप्ति में नहीं है फिर भी उनको रख रखा है, उन्हें बाहर करें। हमारी मांग है, हम विशेष शिक्षक के अभ्यर्थी हैं सभी और विज्ञप्ति के अनुसार हम योग्य हैं और विज्ञप्ति के अवरुद्ध बोर्ड की लापरवाही से लेवल टू में डिप्लोमा वाले और अपीयरिंग वाले सभी को प्रोविजनल लिस्ट में रख लिया गया है, जिस कारण समझे पात्र अभ्यर्थी बाहर हो गए और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा रिजल्ट जारी किया जाए और हम योग्य अभ्यर्थी को भर्ती में लिया जाए। भैया आप कहाँ से हैं? क्या हम जोधपुर से आए हैं, विशेष शिक्षक हैं, हमारे क्या डिप्लोमा वालों को विज्ञप्ति के विरुद्ध अपना शामिल कर लिया है तो इनको बाहर करने का है और विज्ञप्ति के अनुसार है ना सबको सिलेक्शन देने का है और वेटिंग लिस्ट और निम्न सूची जारी कराने का हमारी एक मांग रहेगी क्रम से बोर्ड से। आश्वासन मिला पहले कोई? हाँ, जो विज्ञप्ति चयन बोर्ड हमें बीकानेर निदेशालय में बोर्ड भेज देता है, बोर्ड से हमें बीकानेर भेज देता है। इनकी धांधलेबाजी से हमारे योग्य अभ्यर्थियों का भविष्य अटक गया है और हम बहुत मतलब हमारा भविष्य इतना अंधकार में आ गया कि हमें मरने के लिए इन्होंने उत्साहित कर दिया है और ये चाहते हैं कि सभी अभ्यर्थी उग्र आंदोलन करें, हम उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। मैम किन मांगों को लेकर आप? हम ये चाहते हैं कि हमारी भर्ती जो है वो हमारी विज्ञप्ति के अनुसार होनी चाहिए, विज्ञप्ति में जो लिखा है उसके अनुसार हमारी भर्ती करें ताकि योग्य अभ्यर्थी अंदर आ चुके, इसके कारण से हमें बहुत भारी लापरवाही का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ये लगातार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने बेरोजगार अपनी मांगों को विरोध के जरिए दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं। मैं सुनील कुमार, मेरे कैमरामैन साथी अश्विन के साथ, धन अग्रणी न्यूज के लिए।